बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बर्तवानी मैगज़ीन द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से हर साल तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वियना एक बार फिर रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहर के तौर पर पहले नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से बेहतरीन शहर का टाइटल छीन लिया है, जो पहले नंबर से 34 नंबर पर पहुँच गया है। इसकी वजह कोविड की वबा के दौरान शहर में नकलो हमल की हरकत से सख्त इकदाम हैं। कोविड की वजह से अपने अजायब घरों रेस्टोरेंटों की बंदिश की वजह से वियना ने पिछले साल अपने मकाम खो चुका था, लेकिन सकाफ़ती और समाजी ज़िंदगी के दोबारा बहाल होने के बाद इसने अपना मकाम वापस ले लिया है, जो कि इसे 2018 और 2019 में हासिल हुआ था। दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरे नंबर पर ज़ुरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और चौथे और पाँचवें नंबर पर कैनेडा के दूसरे शहर कैलिगरी और वैंकूवर हैं। रिहाइश के लिए 10 बेहतरीन शहरों में से वियना, कोपेनहेगन, ज़ुरिख, कैलिगरी, वैंकूवर, जेनवा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, नौवें नंबर पर एम्स्टर्डम, जबकि 10वें नंबर पर ओसाका जो कि जापान में है, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की वियना शहर की जो है वो बड़ी कशिश, इसका इस्तेकाम और इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अच्छी तिब्बी सहूलियात और सकाफत और तफरी के मौके हैं जो इसको दुनिया में बेहतरीन शहर बनाता है रहने के लिए। जबकि बदतरीन शहरों में से है, कराची को भी शामिल हो गया टॉप 10 में रहने के लिए। कराची को बदतरीन शहर में करार दिया गया है। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।